हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब की दुआओं से आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी सहरी का टाइम जो है हो चुका है और मैं जा रही हूँ किचन में आज कुछ बनाने के लिए। तो हमेशा की तरह सिंपल सी सहरी होगी जिसमें पराठे होंगे, शामी कर लूँगी या हाफ फ्राई एग और चाय। तो अभी चलते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं। और जी बस मैं किचन में आ चुकी हूँ और आते ही सबसे पहले मैं निकालूंगी पराठे, अंडे, एग, दूध, इसके अलावा जो कुछ मुझे चाहिए। और मेरी सहरी जो है ना 15 मिनट में रेडी हो जाती है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश आपके लिए तकरीबन पूरी रात ही होती रही है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अभी मैं आपको बाहर बारिश भी दिखाती हूँ। और आपने देखा कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है, बिजली भी चमक रही थी और बादलों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली उठी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जितनी मर्ज़ी आप रमज़ान में जो है ना पहले से तैयारी करके रख लो, लेकिन रमज़ान में ना मुझे ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा भर जाता है। सहरी बनाओ, उसके बाद जो है सहरी वाले बर्तन समेटो, उसके बाद फिर सोने की तैयारी करो तो मेट आ जाती है। मेट के चक्कर में नींद नहीं आती, फिर जी मेट जब जाती है उसके बाद 1-1.5 घंटा अपने कुछ घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो मुकम्मल करो। फिर अगर आप सोने लगो तो ज़ोहर का टाइम हो जाता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, करते करते इस तरह से ना पूरा दिन गुजर जाता है और मगरिब का टाइम हो जाता है और फिर अफ्तारी की तैयारी, बर्तन लगाओ। और मतलब कि जितना भी आपने पहले से सोचा होता ना कि हम ये काम पहले से करके अपनी फ्रिज में पूरी तैयारी रखेंगे, काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉगिंग जो है ना रमज़ान में करना बहुत बहुत मेहनत का काम है। उसमें एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि आप कह लें 1.5 से 2 घंटे तो चाहिए होते हैं एडिटिंग करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए। तो खैर अब ये काम शुरू किया है, हिम्मत तो हारनी नहीं है और हिम्मत अल्लाह पाक ही देता है। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम स्टार्ट कर लो तो साथ अल्लाह पाक ने ही देना होता है। मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, आप यकीन करें अल्लाह पाक ने मेरा इतना साथ दिया है कि मुझे आज तक कभी पता ही नहीं लगा कि मेरा व्लॉग इतनी जल्दी बन कैसे जाता है। और सहरी के टाइम ही मैं अपनी जो मेडिसिन थायरॉक्सिन है थायराइड की, मैं ये भी खा लेती हूँ। और ये मेडिसिन जो है ना बहुत अजीब किस्म की मेडिसिन है। इसको खाने के बाद जो है ना एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, प्यास का एहसास यानी कि पानी का एहसास इतना ज़्यादा होता है कि दिल करता है पानी पिएँ। और बॉडी के अंदर से जो है ना हीट निकल रही होती है। तो रमज़ान में जो है ना मुझे भूख का इतना नहीं होता, लेकिन प्यास मुझे इसलिए लगती है क्योंकि इस मेडिसिन की वजह से। तो कभी कभी मैं डंडी मार जाती हूँ कि नहीं यार आज ये वाली मैंने मेडिसिन नहीं खानी। और अगर मैं अफ्तारी के टाइम पर ये मेडिसिन खाऊँ तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि मुझे आधा घंटा पहले ये मेडिसिन खानी है। तो अफ्तारी के टाइम पे वैसे इतनी भूख लग जाती है इतने मज़े मज़े के खाने देखकर कि दिल करता है कि बस अब खा लें। तो 20 मिनट मज़ीद और कौन वेट करे। तो खैर बातों ही बातों में यहाँ मेरी सहरी भी बन के कम्प्लीट हो गई है। पराठे जो हैं वो भी पक गए हैं। इसके अलावा अब मैं ऑमलेट बनाऊँगी, शामी भी मैंने फ़्राई कर ली है, चाय भी मेरी बन के रेडी हो गई है। चाय मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, बस आप कह लें आधे से भी आधा कप जो है मैंने बनाया है। और अभी बस मैं अपने हस्बैंड को उठाऊँगी और जल्दी से टेबल पर जो है मैं सहरी का सामान रखूँगी। आ जाओ, सब कुछ ठंडा हो गया। आ जाओ।
और जी यहाँ पे ये भिंडी है जो कि मुझे ऊपर वाली बाजी ने भेजी थी, मैंने सोचा कि ये भी साथ में गर्म कर लेती हूँ। ऑमलेट है, हाफ फ्राई एग मेरे हस्बैंड का है, ऑमलेट मेरा है, और एक एक शामी कबाब और एक पराठा मेरा, दो पराठे मेरे हस्बैंड के। तो बस इतनी सी ही सिंपल सी मेरी सहरी थी। आप सबकी सहरी की रूटीन क्या है, आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? और खैर से 3 रोज़े जो हैं हो गए हैं, तो आप सबने अब तक सहरी में क्या खाया है? और जी बस सहरी करने के बाद जो है मैं जल्दी से ब्रश करूँगी, वज़ू करूँगी, और मेरे वज़ू करते ही जो है बाहर अज़ान भी हो गई थी, तो बस जल्दी से पानी पीकर जो है मैंने नियत कर ली, और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ूँगी, और कुरान मजीद पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाऊँगी। और जी मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो ये जैली और बुबू जो है ना, इसी तरह से मेरे पास आकर बैठ जाते हैं, और इनको सस्पेंस हो रहा होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं तस्बीह भी निकालती हूँ तो ये मेरे हाथ को पकड़ लेती हैं, बाइट करती हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। जैली तो खैर बाइट नहीं करती, लेकिन बुबू को भी एटिकेट्स नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि बाइट नहीं करते। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी, ब्लैंकेट लिया हुआ है मैंने, तो सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, फ़ैन वगैरह दोबारा से बंद हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ अफ्तारी की तैयारी करने के लिए। आज तारी में दिल कर रहा था कुछ भी ज़्यादा ना हो, जस्ट मैं सिंपल पुलाव बना लेती हूँ, पुलाव टाइप बिरयानी जो मैं बनाती हूँ वो बना लेती हूँ, साथ में रोल फ्राई कर लूँगी और समोसे और जस्ट रू अफ़ज़ा बना लूँगी। तो बस इतनी सी अफ्तारी थी, और खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। हम इतना कुछ जो है ना बना कर रखते हैं, हम इतना लालच करते हैं कि ये भी रख लें वो भी रख लें, और कुदरत अल्लाह की कैला पाक कितनी बरकत होती है अफ्तारी के टाइम पर कि जो हमारे टेबल है ना वो फुल हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा होता कि यार इतना सब कुछ आया कहाँ से। तो इसलिए तो नहीं कहते ना कि जो रमज़ान है वो बबरकत महीना है, बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। तो यहाँ पे जी पुलाव की रेसिपी बहुत दफ़ा मैं आप सबको दे चुकी हूँ, तो बस इस तरह मैं जल्दी जल्दी बस बनाऊँगी। टाइम काफ़ी शॉर्ट था, और अभी मैं 5 बजे हैं, 6:15 पे जो है ना अफ्तारी का टाइम हो जाना है, तो बस जल्दी जल्दी जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और हस्बैंड को जो है मैंने बुला लिया था कि आप आकर जो है ना किचन में थोड़ी हेल्प करें, और वो यहाँ पे बनाने लगे हैं रू अफ़ज़ा, साथ में वो न्यूज़ भी देख रहे थे और साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। तो रू अफ़ज़ा में लेमन ऐड करके पीने का बहुत मज़ा आता है, और साथ में इसके अंदर मैं जो तुख मलंगे होते हैं ना मैं वो भी ऐड करती हूँ, उसका भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे रू अफ़ज़ा भी बन के रेडी हो गया है, पानी जो है इसके अंदर हम अफ्तारी के टाइम पे ऐड करेंगे डिस्पेंसर से ही, और क्योंकि उसमें ठंडा होता है। तो बस यहाँ पे चिकन मेरा फ्राई हो गया था, अब मैं इसके अंदर जो है बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, योगर्ट ऐड करूँगी, और उसके बाद जो है इसकी अच्छी तरह भुनाई करके इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। चावल जो है मैंने पहले से भिगो दिए हुए थे, और उसके बाद जो है ताकि वो भी जल्दी से ही बन जाए, और नमक मिर्च जो है ना टेस्ट करने का बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि पता नहीं नमक ना कम रह जाए। खैर फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख कि ऐसा हुआ नहीं, सब कुछ परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी और इसकी अच्छी तरह भुनाई करके इसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो उसके अंदर मैं राइस ऐड कर दूँगी, और अब दूसरी तरफ मैं पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ और साथ में रोल फ्राई कर लेती हूँ। पकौड़ों का मटेरियल जो मैंने कल बनाया था वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो बस उसी को ही जो है मैं फ़्राई करूँगी, न्यू मटेरियल जो है मैंने नहीं बनाया था। Thank you.
मेरी अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से तो आज नहीं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन जो व्यूवर्स हैं जो कि मुझे मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे देखना पसंद करते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना भी पसंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कह सकती हूँ ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन जहाँ आप मुझे देखते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई नुकसान होता है किसी का भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना याद से। तो जी, सिंपल सी सहरी के साथ साथ सिंपल सी अफ्तारी भी यहाँ पे हमारी तैयार है, और यहीं पे आज का व्लॉग भी करती हूँ दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।